दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शक्लानी और आज मैं पहुंचा हूं विश्व धरोहर फूलों की घाटी। हम उत्तराखंड वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि ये फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में है और ये केवल उत्तराखंड और भारत की नहीं, अब ये विश्व की धरोहर है। ये फूलों की घाटी जहाँ पे अनेक प्रकार के फूल, अल्पाइन फूल पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पति, जड़ी बूटी। आइए मैं आपको बताता हूँ इस वैली ऑफ फ्लावर के बारे में। इस वैली की बात करूँ तो 8 किलोमीटर लंबी है और 2 किलोमीटर चौड़ी है। ये करीब करीब 87.5 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई यह वैली ऑफ फ्लावर भ्यूंदर गंगा के ऊपर है। नीचे बगल में बहती हुई पुष्पावती रिवर जो कि ऊपर ग्लेशियर से आती है, बहुत ही सुंदर है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो क्लाउड है वो चारों तरफ से पूरे वैली को घेर चुके हैं, तो पीछे का दृश्य शायद इतना साफ नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बता देता हूँ कि जो इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो 6900 मीटर अबाउट टू सी लेवल है। तो ये झांसकर श्रेणी में आता है और जब आप वैली ऑफ फ्लावर पहुँचना चाहते हैं तो आपको जोशीमठ पहुंचना पड़ेगा। वहां से आप गोविंद घाट से अपना ट्रैक शुरू करते हैं। हालांकि अभी पुल्ला तक गाड़ी हो गई है और जो हेमकुंड साहिब का मार्ग है उसी रास्ते पे आपको चलना है और नीचे घांगरिया में पहुंचते ही आप वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है ये वैली ऑफ फ्लावर। तो हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है। आइए लेके चलते हैं आप सबको इस खूबसूरत फूलों की घाटी में, और जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं उनको मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये फूलों की घाटी दिखाऊंगा। वैली ऑफ फ्लावर की खोज एक अंग्रेज जो कि कामेत के एक्सपीडिशन से आ रहे थे अपना रास्ता भूल गए और वो भटक के पहुंच गए इस वैली में। 1931 में कामेत से लौटने के बाद जब वो यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी घाटी में एक साथ कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ से कुछ यादें ले जाने के बाद 1936-37 में वो दोबारा आए यहाँ पे। उनका नाम था फ्रैंक एस स्मिथ। वो यहाँ पे आए थे 1931 में सबसे पहली बार। उसके बाद 1936-37 में वो दोबारा आए इस वैली को देखने के लिए। हालांकि ये बोला जाता है कि उसके बाद उनका यहाँ पे पांव फिसल गया था और उनकी डेथ हो गई थी ऊपर ही। उसके बाद उनकी सिस्टर मार्गरेट यहाँ पे आई। उसके बाद से ही यहाँ पे जो है लोग वैली ऑफ फ्लावर में आने लगी। 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया और 2005 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया। तो ये थी हमारी खूबसूरत फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यहाँ पे मोर देन 500 स्पाइसेस ऑफ फ्लावर है जो कि अल्पाइन फ्लावर हैं और 3200 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान ये वैली ऑफ फ्लावर 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है।